मीरपुर खास ब्यूरो चीफ शाहिद मेमन, दुनिया भर में 25 से 10 दिसंबर तक 2021 तक औरतों पर तशद्दुद और सिन्फी नाबराबरी के खिलाफ मनाए जाने वाले 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के सिलसिले में समाजी तंजीम आर्ट्स फाउंडेशन के प्रोजेक्ट वुमेन्स वॉइस एंड लीडरशिप पाकिस्तान की जानिब से पीसीबी ग्राउंड में मुनक़िदा गर्ल्स स्पोर्ट्स गाला की तकरीब से खिताब करते हुए डीएसपी CIA फजल हक चांडियो ने कहा कि औरतों को माशी, समाजी और दीगर शोबजात में मुस्तहकम करके अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। इस अमर का इजहार करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बार और हार और जीत से बच्चियों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। बच्चों की तरह बच्चियों को भी खेल के सबब और मौके फराम किए जाएं जो कि इनकी कामयाबी का सबब बनते हैं। इस मौके पर प्रोग्राम मैनेजर सायरा फलक, एडिशनल डायरेक्टर कॉलेजेस मिस शीरी उबैद, प्रिंसिपल इब्ने रश्द गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में सकीला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे मोहम्मद बख्श खपरी, सीनियर रोटेरियन रफीक लगारी, साफी बख्तियार शाह, उबैद कोरी, डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन गौस मोहम्मद पठान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर फैसल खान जई ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। तकरीब में मीरपुर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस जिसमें इब्ने रश्द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स, द होप हायर सेकेंडरी स्कूल, जीस्ट कॉलेज एंड स्कूल, लिटिल स्टार स्कूल और दीगर स्कूलों की बच्चियों ने शिरकत की और खेल में हिस्सा लिया। खेलों में टग ऑफ वार, बैडमिंटन, सैक रेस, स्पोन मार्बल रेस, 100 मीटर रेस और दीगर खेल शामिल थे। खेलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तमाम टीमों को इनाम दिए गए।